आज मैं आपको लेकर आगे हिमाचल में कुल्लू के फेमस जाना फॉल में, जहाँ पे एक पहाड़ी अंकल हिमाचल का ऑथेंटिक फूड की थाली लगाते हैं और जाना फॉल में आने वाले टूरिस्ट इनके यहाँ की ऑथेंटिक फूड की थाली बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए अंकल जी से जानते हैं कितने टाइम से यहाँ पे ऑथेंटिक फूड की थाली सर्व कर रहे हैं। अंकल जी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मनी राम है जी। ढाबे को कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे ढाबा चलाते हुए जी, और यही शुरू से लेकर यही लोकल खाने की जितने भी गेस्ट आते हैं तो लोकल खाने का और अपनी खेती का होता है और सब खाना लकड़ी से तैयार करते हैं। तो उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले जिम्मेदारी करते थे जी, सेब का सब्जी वगैरह, उसके बाद फिर ढाबा स्टार्ट कर दिया जी। फिर मैं और मेरी घरवाली होती थी और जैसे गेस्ट आते थे वो वेट करते थे, ये गर्म गर्म खाना बना के उनको पूरा टाइम लगा के देते। तो क्या क्या सब्जियां बनाते हैं यहाँ पे? ये आपका कड़ी है। तो ये है जी कड़ी है, पहाड़ी टाइम लगा है, पहाड़ी टाइम सर, सिंपल बिल्कुल बिना मसाले की है सर। और ये आपका राजमा, ये भी लोकल राजमा है सर, अपनी खेती का होता है जी। और ये सर आपका सरसों का साग होता है, ये अपनी खेती का होता है सर। और ये सर आपका घी हो गया, गाय का घी, सिंपल चूल्हे के ऊपर हर चीज गर्म गर्म रहता है सर, इसके अंदर होल है ना इसलिए गर्म रहते हैं। ये आपका लाल राइस है सर, कहीं मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक राइस है। 400 से लेकर आते हो? ये अपनी खेती का 400 रुपए किलो है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा सर। ये है सर यहाँ का लोकल सिड्डू, गेहूं के आटे का बनता है, इसके अंदर पोस्त और खसखस का दाना पड़ता है, इसको आप घी और चटनी के साथ खाएंगे, बिल्कुल सिंपल और टेस्टी होता है जी। कौन कौन आए यहाँ पे? बाकी गडकरी जी आए, अपने शिवराज चौहान जी आए उसके पीछे 5-7 साल पहले, बाकी हीरो वगैरह थे, सनी देओल जी के फ्रेंड है मेरे, ओम पुरी जी वगैरह, शहनाज वगैरह, ये सब मैक्सिमम मतलब काफी अच्छे अच्छे लोग आए यहाँ। तो सबसे पहले मक्की की रोटी को यहाँ पे सेका जा रहा है, ये करार ही दे रहा हूँ आपको करके, क्योंकि मक्की की रोटी के ऊपर आप घी शक्कर डालेंगे ना सर, घी और शक्कर डाल के इसका कॉर्न पिज्जा बन जाता है और बहुत टेस्टी, बच्चे भी हर कोई इसको खा सकता है आराम से, क्योंकि शक्कर और घी ना कोई स्पाइसी होगा, सिंपल होगा। और इसका जो ये राग है ना जी, इस राग का टेस्ट ही डिफरेंट होता है, चूल्हे में जो रोटी बनती है ये राग का टेस्ट है। अंकल जी आपने कहाँ से सीखा खाना बनाना? ये तो गांव का हमारा पहले से पेशा है ना खाना बनाना, लोकल खाना सब एक्सपर्ट होते हैं ना, क्योंकि हम लोगों का काम है मेहनत करना, पहले से लेकर ही पीठ में बोझा उठाओ, फिर अपनी जिम्मेदारी करो, पूरा हर चीज अपनी खेती से तैयार किया जाता है। सिर्फ लेडीज ही तैयार करती है? नहीं सर, जेंट्स और लेडीज सब, अब तो बच्चा फ्री हो गया, ये अकेला संभाल लेता आराम से, इसकी मम्मी वो हल्का हो गया ना, तो नहीं तो पहले हम दोनों लगे रहते थे, बट ये कि गेस्ट भी यहाँ पे आके हेल्प करते हैं, जैसे कोई थाली उठाओ ये वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खुश हो जाते हैं। चलिए ये आपकी थाली लगी है, थाली खा लो आप, है ना जी। ये आपकी थाली लग रही है सर, इसमें आपको बिच्छू बूटी पुदीना हरी धनिया की चटनी डाल रहा हूँ, शक्कर डालना अपना, हरी चटनी डल गई, शक्कर डल गई, तो आपका लिंगड़ी का अचार डाल रहा हूँ। ये आगे लिंगड़ी का अचार जी सर जी, होता क्या ये? ये सिंपल अचार होता है, ये जंगल में इसकी सब्जी लगती है ना, तो इसके अंदर अचार के अंदर आप डालो राई मेथी वगैरह ना, जो भी इसका मसाला होता ना, तो आप इसमें डालने जा रहे हैं देसी घी? देसी घी। तो ये भी अंदर जी खुद का रहता है आपका? क्या गाय का होता है ना, जो पहाड़ी गाय होती है ना, आप डालेगा मैं आपको चावल। और ये है इनके स्पेशल राइस जो आपकी आपको कहीं मिलने वाले, जाटू चावल बोलते हैं इसको जी, जाटू चावल जी जी जी। ये आपका राजमा, अब डाल रहा हूँ मैं आपको कड़ी, अब डालता हूँ आपको सिड्डू, ये आपका सिड्डू, इसको जैसे मैं आपको कट पीस करके दे रहा हूँ, इसके ऊपर डालेंगे आप चटनी और घी। ये है जी आपकी मक्की की रोटी, अब डाल रहा हूँ आपको सरसों का साग, अब चलिए अब गरम गरम आप खाना खा लो, ये हो गया आपका 10 आइटम। ये हमारा लोकल अचार होता है यहाँ का, जो लिंगड़ी बोला मैंने आपको, ये बिल्कुल टिकाऊ होता है, 6-7 महीने साल भर आप इसको खाते जाएंगे, खराब नहीं होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। प्राइस इसका 300 है, और ये आपका घी है ये 900 पर लीटर है, ये प्योर पहाड़ी गाय का घी होता है, इसलिए खाने के साथ इसका मजा लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ खाना होगा तो अगर आपके पास टाइम है तो और भी चीजें बना लीजिए, जितने में हमारे से हो सके, ऐसा कुछ नहीं है जी, बट टाइम चाहिए आपके पास। तो कोई एक बार खाएगा तो बार बार आएगा? बिल्कुल जी, इसीलिए आ रहे हैं, बार बार हटके ही आ रहे हैं, जैसे आप 10 लोगों को बता रहे हैं तो 10 लोग 100 लोगों को बताएंगे, इसलिए हमारा काम है मेहनत करना, बस इसी से मजा आ जाता है पूरा मेहनत करने के लिए, तो काम निकल जाता है आपका? बिल्कुल बढ़िया, भगवान की बदौलत बिल्कुल ओके, और गाँव वालों को भी सबको अच्छा लग रहा है, जितना भी मनाली टैक्सी स्टैंड है सबको काम मिल रहा है, गाड़ी वालों को भी, सबके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली हिमाचल के कुल्लू में यहाँ पे मैं आ गया हूँ जाना फॉल पे, और यहाँ के फेमस मनीराम ढाबे का यहाँ पे मैंने खाना लगवा लिया है। तो ये है इनकी प्लेट, तो यहाँ पे बहुत ही स्वीट से पहाड़ी अंकल है और बहुत ही बेहतरीन थाली यहाँ पे लगाते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी 200 रुपीज में, जिसमें आपको 10 आइटम्स मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या इन्होंने लगाया। तो थाली में आप देखते हो आपको मिल जाएंगे रेड राइस, जो कि आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलने वाले, अंकल जी के खुद की खेती का रहता है ये। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिड्डू, जो कि हिमाचल में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसको हिमाचल की ट्रेडिशनल क्यूजीन भी बोला जाता है। ये है पहाड़ों का लिंगड़ी का अचार, इसको लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं। साथ में आपको शक्कर मिल जाएगी। तो ये है बिच्छू बूटी की चटनी, जो कि यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपको यहाँ पे मक्की की रोटी मिल जाएगी, आपको कड़ी मिल जाएगी, देसी घी मिलेगा जो कि आप सिड्डू के ऊपर डाल के आराम से खा सकते हो, साग में इसको डाल सकते हो। ये है इनका सरसों का साग, और साथ में आपको मिल जाएंगे पहाड़ी राजमा। तो चलिए चलते हैं इस मील को एंजॉय करते हैं। तो राइस के साथ सबसे पहले मैं ट्राई करने जा रहा हूँ पहाड़ी राजमा।
तो वाकई में इनके राजमा ट्राई करके मजा ही आ गया। इनके चावल जो है बहुत ज्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ जो इनके राजमा है एकदम घर वाले देसी स्टाइल में बनाए गए हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे यहाँ की पहाड़ी कढ़ी। इनके पहाड़ी राजमा तो टेस्टी थे, साथ ही साथ इनकी कढ़ी जो है बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसका टेस्ट ही अलग आ रहा है। जैसे आपने गांव में खाना खाया होगा, कढ़ी का टेस्ट एकदम वैसा ही है क्योंकि सारी चीजें जो बनती है एकदम चूल्हे में बनाई जाती है। जो भी दही रहता है, दूध रहता है, सारा इनका होममेड रहता है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूं यहां पे सरसों का साग। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें और ये आगे इनकी मक्की की रोटी जो कि चूल्हे में बनाई गई थी। सरसों का साग मक्की की रोटी खा के घर की याद आ गई। अगर आप भी कुछ बढ़िया खाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिमाचल के जाना वाटरफॉल के मनीराम ढाबा पे आके इनकी थाली एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लास्ट में मैं ट्राई करने जा रहा हूँ सिड्डू जो कि लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें घी डाल लेते हैं और इसको ट्राई करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। मैंने इनके सारी आइटम्स ट्राई कर ली और मुझे सब एक से बढ़कर एक लगी। एकदम घर वाली फील है, एकदम घर वाला खाना है। जैसा कि आपने गांव में खाया होगा, एक देसी खाना, शुद्ध खाना एकदम वैसा ही बनाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, सेलिब्रिटीज लोग आते हैं और इनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप भी हिमाचल विजिट कर रहे हो तो कुल्लू में आके जाना वाटरफॉल के पास मनीराम ढाबे पे आके इनकी आप ये थाली टेस्ट कर सकते हो। इतनी हाइट पे ये थाली लगाते हैं, प्राइस इसका 200 रुपीज। अंकल जी आपके शॉप की टाइमिंग क्या है? 24 घंटे हम यहीं पे होते हैं। बट ऐसा है कि फोन करके कभी अगर लेट हो जाते हैं, देर से देर हो जाता है, फिर आप तो फोन कर देते हैं ना। बाकी मैं हर टाइम यहीं पे होता हूं। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं यहाँ पे? हम तो 12 महीने यहीं पे होते हैं, यहीं पे कंटिन्यू खुला ही होता है। कोई छुट्टी नहीं, क्या करना है। कभी अगर मैं हुआ, कभी घरवाली होती है, कभी घरवाली नहीं तो फिर मैं होता हूँ, फिर बच्चे होते हैं, बिल्कुल यहीं पे मिलेंगे हम। और एड्रेस बता दीजिए हिमाचल में कहाँ पे है जगह? हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर नगर कैसर नगर करके गाँव का नाम जाना गाँव है। जाना गाँव के नाम से मैंने इसको जाना वाटरफॉल रखा हुआ है। और ढाबे का नाम बता दीजिए? मनीराम ढाबा। 200 रुपीज में आपको मिल जाएगी 10 आइटम, आप पेट भर के यहाँ पे खाना खा सकते हो। और ये जगह इंडिया ट्विंस से हाईली रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे आके एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो इस थाली को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।